राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी भाग एक। आलेख शेर जंग गर्ग का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई आज तुम इंतजार कर रहे हो अपने दादाजी की। दोस्तों दादाजी को राम राम कहना और जोर से कहना। तो तैयार हो जाओ, आ रहे हैं तुम्हारे दादाजी। नन्ने मुन्ने बच्चों राम राम। राम राम दादाजी। राम 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 राम। कहो भाई कैसे हो? अरे ठीक हो ना भाई? तुम सबसे मिलकर आज हमें बड़ी खुशी हो रही है। पूछो क्यों? क्यों? ओए होए, अरे इसमें पूछने की क्या बात है? हुआ यूं के भाई रेडियो पोपटलाल की मेहरबानी से आज हमारी तुम्हारी मुलाकात खूब हुई। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? रेडियो पोपटलाल ने हमें तुम्हारे पास भेज दिया भाई। दरअसल हम ठहरे पुराने चिड़ीबाज। हमने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी चिड़ियाएं देखी हैं। तो एक दिन हमें रेडियो पोपटलाल मिल गए और हमसे बोले, अरे भाई दादाजी कुछ हमारे बच्चों को भी तो बताओ। तो प्यारे बच्चों, हमने कह दिया हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चों, अब हम चले आए तुम्हारे पास अपना कमाल दिखाने। हाँ तो बच्चों, फिर हम दिखाए ना अपना कमाल। हाँ दादाजी जरूर दिखाइए। भाई जो सामने बच्चे बैठे हैं वो भी तो बोलें। अरे जरा जोर से बोलो भाई। हाँ अब बनी ना बात। सुनते हो ना म्याऊं म्याऊं की ये आवाज? अरे भाई सुन रहे हो ना तुम सब? हैं भाई जरा जोर से हाँ बोलो। हैं हाँ, अब बनी ना बात। शाबाश। अब बताओ बच्चों, ये म्याऊं म्याऊं की आवाज किसकी है? दादाजी ये कौन है? दादाजी कहीं ये बिल्ली तो नहीं? अरे वाह वाह वाह, ठीक बिल्कुल ठीक, ये बिल्ली बोल रही है। अब पूछो क्यों कर रही है ये बिल्ली म्याऊं म्याऊं? पूछो क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? सुन को बुआ की रसोई में दूध पीने घुस गई थी बिल्ली। जब बुआ ने बिल्ली को दूध गटकते गटकते देख लिया तो बड़ा गुस्सा आया बुआ को। जमा कर झाड़ू जो मारी तो सीधी लगी बिल्ली की पीठ पर। और अब म्याऊं म्याऊं की रट लगाए हुए है। तो बच्चों जहां कहीं भी म्याऊं सुनो तो समझ लो बिल्ली आ गई। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, एक नहीं सौ चूहे खाऊं। एक नहीं
ओए होए भाई, ये बात बहुत गलत है। ये सामने जो बच्चे बैठे हैं भाई, ये भी तो हमारे साथ साथ बोले। बोलो, बोलोगे ना? हैं, जरा जोर से कहो भाई। हाँ, ये बात हुई ना, तो तैयार हो जाओ। बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, एक नहीं सौ चूहे खाऊं, वाह 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 वाह। भाई तुमने बिल्ली की आवाज तो खूब पहचान ली, म्याऊ म्याऊ। अरे ये क्या, ये आवाज किसकी आ रही है? दादाजी दो, ये तो कुत्ता ही आ गया। अरे वाह, तुमने तो कुत्ते को भी पहचान लिया, शाबाश नन्हे मुन्ने बच्चों। ये भौं भौं करने वाला कोई और नहीं, कुत्ता ही होता है। भाई इसकी भौं भौं चाहे कितनी बुरी लगती हो, मगर है ये तुम्हारा पक्का दोस्त। दोस्ती में देखो ये कैसे तुम हिला रहा है, कैसे तुम हिला रहा है। दादाजी कुत्ता लगता तो बड़ा प्यारा है, दादाजी आपको उसकी बाबू सुनकर डर नहीं लगता? अरे नहीं भाई नहीं, हमें डर काहे का, पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुत्ता हमें तुम्हें देखकर तो भौं भौं करता नहीं, कुत्ता तो नए लोगों को देखकर भौं भौं करता है। घर के लोगों को देखकर तो दुम हिलाता है, भौं भौं थोड़े ही करता है। कुत्ता बोले भौं भौं भौं, कुत्ता बोले भौं भौं भौं, मेरे घर में घुसते क्यों, मेरे घर में घुसते क्यों। ओए होए भाई, मैं तो तंग आ जाऊंगा इस तरह। भैया जो सामने बच्चे बैठे हैं वो भी तो बोले। तैयार? कुत्ता बोले भौं भौं भौं, मेरे घर में घुसते क्यों। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, ये म्याऊं म्याऊं और भौं भौं यानी बिल्ली और कुत्ता, ये हमारे आसपास तो रोजाना ही मंडराते रहते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी मैंने का तराना भी सुना है? दादाजी सुना तो है पर याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो याद नहीं आ रहा। याद आ गया, बकरी तो करती है। चलो बकरी की याद में मैं करने का बहाना तुम्हें भी मिल गया। हमारे दादाजी भी मैंने की, तुमने बकरी बने जा रहे हैं। अच्छा, तो तुमने अपने दादाजी को भी बकरी बना दिया? क्यों? हाँ भाई, सच ही तो है, जो ज्यादा मैं करता है उसे लोग बकरी ही कह देते हैं। पूछो क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? मैं यानी बकरी, और ज्यादा मैं करने वाला भी बकरी। बकरी बोली मैं, बकरी बोली मैं, आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? ओए होए ओए होए भाई, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? आधे बच्चे तो एक साथ बोल रहे हैं और आधे बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अरे नन्हे मुन्ने बच्चों,
सब एक साथ लय में लय मिलाकर बोलो मेरे साथ। बकरी बोली मैं। आप कहां से आए हैं? वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। नन्हे मुन्ने बच्चों, म्याऊं म्याऊं बोलने वाली बिल्ली, भौं भौं बोलने वाले कुत्ते और मैं करने वाली सीधी सादी बकरी के बाद अब हम तुम्हारी मुलाकात एक और ही सीधे साधे भोले भाले मगर खूब काम करने वाले ठेचू ठेचू से कराते हैं। दादाजी, ढेंचू ढेंचू कहीं गधा तो नहीं? अरे वाह 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 भाई, तुम्हारा भी जवाब नहीं। गधा बोलता ढेंचू ढेंचू, गधा बोलता ढेंचू ढेंचू, बोझा लादो झटे पटे खींचू, बोझा लादो झट पट खींचू। भाई ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे साथ सब तो बोल रहे हैं मगर वो सामने दो तीन बच्चे एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे हैं। अरे बच्चों, तुम भी सबके साथ बोलो। हाँ ऐसे, गधा बोलता ढेंचू ढेंचू, बोझा लादो झट पट खींचू। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। अरे मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। अरे घर की छत पे मैं अपनी चिड़ियों को दाना डालकर खुला छोड़ आया था। हाय 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 हाय, अरे कहीं तुम्हारी बिल्ली मौसी उनका कलेवा ना कर जाए। अरे मैं तो चला, कल फिर मिलेंगे। राम राम दादाजी। हाय राम राम दादाजी, कल फिर मिलेंगे। कल फिर मिलेंगे, राम राम। राम राम दादाजी। तो लो भाई, तुम आज मिले दादाजी से और दादाजी ने तुम्हें मिलवाया बिल्ली से, कुत्ते से, बकरी से और ढेंचू ढेंचू यानी गधे से। अब जरा जोर से कहो, जय हिंद।